हेडिंग डलेगा नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइट। शुरू करें, साउंड कैमरा एक्शन, नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइट। एनहाइड्राइट, पहले तो ये समझते हैं एनहाइड्राइट है क्या, व्हाट इज एनहाइड्राइट, एनहाइड्राइट है क्या। मैं ये मानता हूं एसिड के अंदर अगर आप माइनस एच टू ओ करते हो तो जो कंपाउंड बन रहा है वो आपके लिए एनहाइड्राइड है। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक मॉलिक्यूल में से भी निकल जाता है, कई बार दो मॉलिक्यूल में से भी निकलता है। ठीक है, तो यहां पर इसके जो मॉलिक्यूल है वो एन मॉलिक्यूल्स होगा और एन की वैल्यू कई बार एक या फिर दो होती है। सही है, एनहाइड्राइट का मतलब यह है। जैसे मैं बात करता हूं सिंपल, पहले एच एन ओ थ्री से करता हूं एग्जाम्पल, इसमें से मैं माइनस एच टू करना चाहता हूं, तो आप बताइए इसमें कितने हाइड्रोजन है, एक या दो? एक। तो इसका मतलब अल्टीमेटली यहां पर क्या करना पड़ेगा, टू से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो दो हाइड्रोजन हो गए, माइनस हो गया, तो बचेगा क्या, N2O5। छह ऑक्सीजन है, एक गया, N2O5। तो N2O5 इज एनहाइड्राइड ऑफ HNO3। अगर आपसे पूछा जाए N2O5 किसका एनहाइड्राइड है, तो आप क्या करेंगे, इसमें H2O ऐड करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या मिल रहा है। तो जब आप H2O ऐड करेंगे इसमें तो आपको क्या मिलेगा, H2N2O6। इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इन सिंपल रेशियो HNO3। तो ये N2O5 किसका एनहाइड्राइट है, इसका एनहाइड्राइट है। सपोज आपसे पूछा N2O3 किसका एनहाइड्राइट है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा HNO2 का, HNO2 माइनस H2O, N2O3 आपको एनहाइड्राइट मिल जाएगा। तो ये सब एनहाइड्राइट है। तो चलिए कुछ एनहाइड्राइट आप बताएं मेरे से पहले, H2SO4 का एनहाइड्राइट क्या होगा, H2SO3 का क्या होगा, क्या आपको यहां टू से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, नहीं, क्या यहां है, नहीं है। तो ये तो हमने एनहाइड्राइट समझे, तो एनहाइड्राइट वहां निकाले जा सकते हैं जहां एसिड ऑक्सी एसिड्स हो। सही है, HCl का एनहाइड्राइट क्या होगा, नॉट डिफाइन, क्यों, क्योंकि ये एनहाइड्राइट डिफाइन ही उनके लिए ऑक्सी एसिड्स। तो अब आप एनहाइड्राइट की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बनाएंगे, एनहाइड्राइट इज द जनरेटेड कंपाउंड बाय एलिमिनेट H2O मॉलिक्यूल ऑफ टू और वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सी एसिड्स। सही है, इजी वे में लिखना चाहे तो लिख सकते मेरे साथ, वन और टू मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सी एसिड्स, वन और टू मोल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सी एसिड्स इफ लिबरेट, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O इफ लिबरेट वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O देन जनरेटेड कंपाउंड इज कॉल्ड एनहाइड्राइट। एनहाइड्राइट ऑफ एसिड, रिमेंबर दैट एनहाइड्राइट डू नॉट हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, रिमेंबर दैट एनहाइड्राइट डू नॉट हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहां तो आपके पास H2O माइनस कर से SO3 आ जाएगा, यहां SO2 आ जाएगा। सही है, ये एनहाइड्राइट है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड में एग्जांपल लो CH3COOH, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कितना है, एक है,
इसका मतलब हमें एक और मॉलिक्यूल चाहिए। ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन ये है। तो जब आप इसमें से H2O निकालोगे तो आपके पास कंपाउंड जो मिलेगा वो किस तरह का मिलेगा? CH3 C डबल बोन O, OC डबल बोन O CH3। ये है एसिड एनहाइड्राइड। समझ में आ रहा है? ये कौन सा एसिड है? एथेनोइक एसिड। ये कौन सा एसिड है? एथेनोइक एसिड। तो इसको क्या बोलेंगे? एथेनोइक एसिड एनहाइड्राइड। तो इस तरह से हम इसकी नेमिंग देते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन कुछ एसिड ऐसे हैं अगर इसका एनहाइड्राइड बनाना पड़ा तो ऐसे बन जाएगा, H2 निकल जाएगा। इसका नाम तो सुना ही होगा आपने, सक्सेनिक एसिड एनहाइड्राइड। सक्सेनिक एसिड कुछ इस तरह का होता है। तो इसका एनहाइड्राइड कैसा बनेगा? ये सक्सेनिक एसिड एनहाइड्राइड है। इज दैट क्लियर? तो ये तो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए, सक्सेनिक एनहाइड्राइड। ऐसे ही आप मैलोनिक, मैलेनिक, मैलेइक, एडिपिक, बहुत सारे एसिड हैं उनके एनहाइड्राइड देख सकते हैं। ये सारे डाइओइक एसिड हैं जो मैंने अभी हाल बोले हैं। तो डाइओइक में क्या होगा? आपको एक ही मॉलिक्यूल की जरूरत होगी, ठीक है? तो और मोनो एस या सिंगल ओइक एसिड जो है उनके लिए आपको दो मॉलिक्यूल की जरूरत होगी। कोई दिक्कत आ रही है समझने में? पक्का? तो मुझे इतना मालूम है मोनो ओइक एसिड है और एक डाइओइक एसिड है। तो यहां पर टू मॉलिक्यूल की जरूरत होगी एनहाइड्राइड बनाने में, और यहां पर सिंगल मॉलिक्यूल की जरूरत होगी एनहाइड्राइड बनाने में। आ रही है बात समझ में? तो सक्सेनिक एसिड किस तरह का है? डाइओइक। तो ये एक ही मॉलिक्यूल की जरूरत है। बात आती है नेमिंग की, कि हम नेमिंग कैसे देंगे? हमें एनहाइड्राइड तो समझ में आ गया, तो चलिए हेडिंग डालेगा IUPAC नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड। लिखें इसको, हटा दिया जाए। तो हमारा हेडिंग रहेगा IUPAC नेमिंग, नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड। मतलब जैसे मैंने अभी हाल आपको बोला सक्सेनिक एनहाइड्राइट, सक्सेनिक एसिड एनहाइड्राइट, तो इससे वो कॉमन नेम की फील आ रही, क्योंकि सक्सेनिक एसिड उसका IUPAC नेम नहीं था। लेकिन यहां अब हम बात कर रहे हैं IUPAC नेमिंग एनहाइड्राइट की। तो हमारा पास जो भी एसिड होगा वो क्या होगा? IUPAC लेके चलना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, तो ये हमने एक टेबल बनाई जिसमें पहले हमने फंक्शन नेम लिखा, ये फंक्शन ग्रुप कौन सा है। फंक्शन ग्रुप पे RC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O R, ठीक है? इसके नाम हम बात करें तो इसके लिए प्रेफिक्स कोई भी नहीं है, क्योंकि एनहाइड्राइड बनेगा तो एक वैसे ही गायब हो जाएगा, तब हमेशा सीनियर कौन बना रहेगा? यही। सफिक्स कौन होगा? ओइक एनहाइड्राइड,
या फिर कार्बोक्सिलिक एनहाइड्रेट, कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्रेट, ये हमारे पास बेसिक सारा कार्बोक्सिलिक एनहाइड्रेट। एसिड हटा दिया जा सकता है, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्रेट। आईयूपीएसी नेम कैसे रहेंगे आप? एल्केनोइक एनहाइड्रेट, और कार्बोक्सिलिक एनहाइड्रेट। ये हमारे पास हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्रेट। कुछ समझ में आ रही है बात अच्छे से? चलिए ठीक है। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एनहाइड्रेट हमने समझ लिया, लेकिन हमारा अभी भी प्रैक्टिस बाकी है। सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? प्रैक्टिस। चलिए देखते हैं कैसे। मुझे यहाँ पर दो बातों के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। पहला कि क्या जरूरी है कि एनहाइड्रेट बनाते वक्त हमें दो मॉलिक्यूल की जरूरत पड़े? नहीं, एक की भी हो सकती है, लेकिन क्या दो मॉलिक्यूल की जरूरत है और दोनों अलग अलग एसिड हो गए तो कैसे करेंगे, और एक हो गए तो कैसे करेंगे? ठीक है, करें, आते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले केस फर्स्ट, हम बात कर रहे हैं CaCCOOH के एनहाइड्राइड की। इसके लिए तो दो मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, और क्या बन जाएगा? CaCCO, यहां हम हमेशा ऐसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3। ये तीनों ऑक्सीजन एक साथ लिख सकते हो, COOOC, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं कुछ, CH3OCOCO CH3। अपने आप मतलब निकाल सकते हैं कि ये एनहाइड्राइड है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड। लेकिन अगर दोनों मिक्स हो गए, ये तो सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है। सिमेट्रिकल का मतलब दोनों एसिड सेम है, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। अनसिमेट्रिकल हुआ तो, अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कैसे हम देखेंगे? CaCC डबल बॉन्ड ओ ओ CH3 है, और एक आपके पास है OH C डबल बॉन्ड ओ C2H5। तो आपके पास जो एनहाइड्रेट बनेगा वो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ C2H5। तो इसको कैसे लिखेंगे? एथेनोइक पहले आएगा और एम बाद में आएगा अल्फाबेटिकली। तो एथेनोइक मेथेनोइक नहीं, ये क्या होगा? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ये हमारा केस सेकंड हुआ, एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, अल्फाबेटिकली। लेकिन ऐसा कभी हुआ केस थर्ड, CCOOH CCOOH, जब डाइओइक में से निकालेंगे तो यहां पर -H2O करोगे तो CC C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O O। तो इसका नाम क्या होगा? कॉमन नेम तो आप बोल सकते हो, सक्सेनिक एनहाइड्राइड,
सक्सेनिक एसिड एनहाइड्राइड बोलते हो तो भी सही है, सक्सेनिक एनहाइड्राइड बोलते हो तो ज्यादा सही है। समझ में आ रही है बात? लेकिन आईयूपीएसी नेम में तो दोनों ही गलत है। तो इसको बोलोगे ये कौन सा एसिड है? ब्यूटेन डाइओक एनहाइड्राइड, ब्यूटेन डाइओक एनहाइड्राइड। तो जब भी डाइओक एनहाइड्राइड है इसका मतलब आपने एक ही मॉलिक्यूल से काम चला लिया, और जब डाइओक नहीं है, मोनोओक लिखा हुआ या सिंगल ओइक ही है, तो फिर आपके लिए क्या हो रहा है? इसका मतलब आपको दो मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी है। अंडरस्टूड है ये पॉइंट? समझ में आ गया? आप इसको पूरा अच्छे से लिख लें। आप देखिए ये कुछ एक एग्जाम्पल है जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी है एनहाइड्राइड के लिए। करें, स्टार्ट करें। तो मैं जब ये देखता हूँ सबसे पहला वाला, तो मुझे ये फील आ रही है इसको देख के कि ये मोनोओइक एसिड है, यानी कि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर डाइओक वाला वर्ड नहीं लगेगा, दोनों सिमेट्रिकल हैं, बिल्कुल है। तो ये एसिड कौन सा होगा? मेथेनोइक। तो ये क्या हो जाएगा? मेथेनोइक एनहाइड्राइड, बहुत इजी है, मेथेनोइक एनहाइड्राइड, सो इजी, कोई दिक्कत नहीं है। इस मॉलिक्यूल को देखते ही यहां, ये सेकंड एग्जांपल है, इस एग्जाम्पल को देखते ही मेरे को फील आ रही है कि ये मोनो ओइक तो है, लेकिन दो अनसिमेट्रिकल वाला केस हो गया, सेकंड केस। तो यहां पर एक तो है एथेनोइक, एक है मेथेनोइक। अल्फाबेटिकली एथेन पहले आता है, ई पहले आता है, तो एथेनोइक मेथेनोइक ध्यान से सुनना, एथेनोइक मेथेनोइक, डाई मत लगा देना, सिर्फ एनहाइड्राइट आगे। इस कंपाउंड को देखता हूं मैं, ये साइक्लिक दिख रहा है, इसका मतलब हो ना हो ये डाइओक वाला था। समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा एसिड होगा? यहां पर OH, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन से, यानी कि पेंटेनोइक, पेंटेनोइक होगा, पेंटेन डाइओक होगा, नॉर्मल भी नहीं होगा, और डाइओक हमेशा 1,5 पे ही होंगे पेंटेन में, तो पोजिशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसका आंसर लिखता हूं पेंटेन डाइओक एनहाइड्राइड, पेंटेन डाइओक एनहाइड्राइड, सही है, लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डाइओक हमेशा फर्स्ट और लास्ट में ही होंगे। ओइक कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा क्या होता है? लास्ट पोजीशन पे रहता है, क्योंकि उस कार्बन को काउंट कर रहे हो आप, तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहां पर। आ रही है बात समझ में? इस कंपाउंड को देखते हैं, दिख ही रहा है एक, ये जो एसिड बनेगा साइक्लिक है, कहीं ना कहीं ये एक ही एसिड में दो सी डबल ओएच ग्रुप होंगे, एक ही मॉलिक्यूल में दो सी डबल ओएच ग्रुप है। तो कैसे देखेंगे? तो कहीं ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये किससे बना होगा सोचो, इससे बना होगा साइक्लोहेक्सेन, यहां पोजीशन की जरूरत पड़ सकती है, सही है, लेकिन एनहाइड्राइड हमेशा अल्फा बीटा पोजीशन यानी अगल बगल पे ही बनते हैं, अल्फा गामा पे नहीं बनेंगे, ये अल्फा गामा हो गया, ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो अल्फा गामा पे तो वैसे ही नहीं बनेंगे इतनी डिस्टेंस पे, तो पोजीशन लिखने की यहां पर भी जरूरत एज सच नहीं है, सही है। तो ये क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन। क्या इस कार्बन को यूज कर पाए? इस एसिड का नाम क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? एनहाइड्राइड का नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कोई दिक्कत समझने में? तो ये मैंने आपको पांच एग्जाम्पल, चार एग्जाम्पल करा दिए। आगे एक दो तीन, एक दो तीन चार अनसिमेट्रिकल है, सही है। तो इसको कैसे बोलेंगे? एक दो तीन,
प्रोपेनोइक होएगा, एक दो तीन चार ब्यूटेनोइक, बी पहले आता है तो ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, कोई समझ में आ रही है बात? एक दो तीन साइक्लोप्रोपेन सिमेट्रिकल है, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यही होगा इसका मोनोमर, हाँ या ना? तो मैं यहां बोल सकता हूं साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। आप मेरी बात से सहमत है? साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, क्या यहां पर मोनो एसिड था? हाँ, इसलिए दो मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी। यहां क्या दिख रहा है आपको? बेंजीन दिख रहा है, तो इसका एसिड क्या होगा? बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ये। बेंजीन पे अल्फा बीटा पोजीशन पे कौन से जुड़ा हुआ है? दो कार्बोनिक एसिड ग्रुप जुड़े हुए हैं, कार्बोक्सी, तो मैं इसका नाम ले सकता हूं बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। इस पोजीशन को देखो, ऑब्वियसली ये किससे स्टार्ट हुआ होगा? नंबर वन टू थ्री, टू मिथाइल प्रोपेनोइक, सही है, सिमेट्री है, नहीं होता तो उसका भी नाम लिख देते। तो यहां पर तो टू मिथाइल, वैसे टू लगाने की जरूरत ही नहीं है, अगर मिथाइल है तो टू ही होगा, थ्री होता तो ब्यूटेन नहीं बन जाता, तो मिथाइल प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, तो टू लगाने की भी जरूरत नहीं है, लो हटा दिया, मिथाइल प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? तो इस तरह से हम इसका नाम देंगे। हाँ बोलो बेटा, सेवेंथ में पोजीशन बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हमेशा अल्फा बीटा पोजीशन पे ही एनहाइड्राइड बनाएंगे, यानी अल्फा बीटा यहां पर क्या कहलाता है? ऑर्थो। अल्फा गामा क्या कहलाता है? मेटा। और अल्फा डेल्टा क्या पोजीशन कहलाती है? पैरा। ओम प्रकाश, ऑर्थो मेटा पैरा। तो कुछ समझ में आ रही है मेरी लैंग्वेज? ये आठों एग्जांपल, और कुछ एग्जांपल अपन ने पहले कर लिए। सिक्स वाला देख लो, ये इसका मोनोमर क्या होगा? ये है तो साइक्लोप्रोपेन, इस कार्बन को आप यूज नहीं कर पा रहे, तो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, इसका यही होगा नाम, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप पहले उसका एक्चुअल मोनोमर पहचानो एसिड्स का क्या था, तो वो ये है साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है। मैंने आठ एग्जाम्पल दिए, आठ में से आठ किसके सही है? हाथ खड़ा करें, एक दो सात छः, दो कौन से गलत करे? सेवेंथ, ये वाला, हाँ ये मैं मानता हूं गलत हो सकता है, और सिक्स, ये भी अच्छा एग्जाम्पल था, मुझे लगा ये भी अच्छा एग्जाम्पल होगा, आप ये भी गलत करना चाहिए था आपको, तीन ठीक है, सही किया। एनहाइड्रेट समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं।